हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी के आज के वीडियो। जीएफजी के आज के प्रॉब्लम का नाम है लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग। मीडियम लेवल की प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में अपने को गिवन क्या क्या है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन में ना अपने को एक स्ट्रिंग दे रखी है और एक नंबर दे रखा है, ठीक है। अब अपने को करना क्या है कि अपनी जो भी स्ट्रिंग है ना, अपन को उसकी साइज को कैलकुलेट करना है। अगर उसकी जो साइज है वो पावर ऑफ टू में हुई तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने के की वैल्यू को डिवाइड बाय टू कर देंगे। और अगर अपनी जो स्ट्रिंग की साइज है वो पावर ऑफ टू में नहीं हुई तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्ट्रिंग मतलब अपनी क्या नंबर को इंटू टू कर देंगे, ठीक है। और फिर अपने को करना क्या है, अपना जो भी रिजल्टेंट के होगा ना, अपन को उतने कैरेक्टर्स अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में से डिलीट करना है। अपनी ओरिजिनल स्ट्रिंग में से अपन के कैरेक्टर्स किस बेसिस पे डिलीट करेंगे कि अपनी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग होगी ना वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज होनी चाहिए, मतलब लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होनी चाहिए और उसका जो ऑर्डर है वो अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वैसा ही होना चाहिए। जैसे अगर अपना अपन आंसर स्टार्ट करें ए से, तो ए के बाद एन ही आना चाहिए और एन के बाद डी ही आना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकते अपन कि ए डाला, ए के बाद एफ डाला और एफ के बाद डी डाल दिया, ठीक है। ऐसे अपन ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, ऑर्डर अपने ओरिजिनल स्ट्रिंग जैसे ही होना चाहिए और अपनी जो रिजल्टेंट स्ट्रिंग है वो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट ऑर्डर में अरेंज लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपनी स्ट्रिंग की साइज क्या है, सेवन। जो सेवन है वो टू के पावर में नहीं आता तो अपन क्या करेंगे, के को इंटू टू कर देंगे, तो के हो गया अपना फोर। अपने को फोर कैरेक्टर्स डिलीट करने अपनी स्ट्रिंग में से, तो अपन क्या करेंगे, एफ डबल ओ एल को डिलीट कर देंगे क्योंकि जो ए एन डी है वो अपना लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल देखें तो इस वाले एग्जाम्पल में अपने को अपनी स्ट्रिंग दे रखी है सीओ डी ई, इसकी साइज फोर है, फोर जो है वो टू के पावर में आता है तो अपन क्या करेंगे, के को डिवाइड बाय टू कर देंगे, ठीक है। तो के क्या हो गया अपना टू, तो अपन को दो कैरेक्टर डिलीट करने हैं तो अपन क्या करेंगे, ओ और ई को डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रिंग क्या बन गई, सी टी, जो लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट है। अब अपन देखते हैं कि अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपन अपनी स्ट्रिंग की साइज कैलकुलेट करेंगे। तो अपनी स्ट्रिंग की साइज जो है वो सेवन है, सेवन जो है वो टू की पावर में नहीं आता है तो अपन क्या कर देंगे, अपनी स्ट्रिंग को मतलब अपनी नंबर को इंटू टू कर देंगे, तो अपना नंबर हो गया फोर। तो क्या करना है अपने को, अपने को फोर कैरेक्टर्स डिलीट करने अपनी स्ट्रिंग में से, तो अपन क्या करेंगे, अपन सेकेंड नंबर से देखना चालू करेंगे कि उसके पहले कोई ऐसा नंबर है क्या जो उससे बड़ा हो। अगर उसके पहले कोई ऐसा नंबर होगा जो उससे बड़ा है तो अपन उसको डिलीट कर देंगे, ताकि जो अपनी रिजल्टेंट जो स्ट्रिंग होगी ना उसके अंदर से पहले वाले कैरेक्टर्स ही डिलीट हो रहे हैं, मतलब वो लेक्सोग्राफिकली मतलब उसका ऑर्डर सेम रहेगा। अगर अपन बीच बीच में से डिलीट करना चालू करेंगे लास्ट फर्स्ट कहीं से भी तो अपना ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन अगर अपन फर्स्ट वाले कैरेक्टर से डिलीट करें या फिर लास्ट वाले कैरेक्टर से डिलीट करें तो अपना जो स्ट्रिंग है वो उसका ऑर्डर सेम रहेगा। तो अपन ने अपने सेकंड कैरेक्टर से देखना चालू किया, तो अपना सेकंड कैरेक्टर क्या है, ओ। जो एफ है वो ओ से छोटा नहीं है, मतलब एफ जो है वो अल्फाबेटिकली पहले आता है ओ से, तो ओ जो है वो एफ से छोटा नहीं है। अब अपन अपने थर्ड कैरेक्टर पे आ गए, वो भी ओ था, तो जो ओ है वो तो ओ से बराबर है, मतलब ये वाला कैरेक्टर भी छोटा नहीं है और एफ भी छोटा नहीं है, ठीक है। तो अपन इधर भी कुछ नहीं करेंगे। फिर अपन देखेंगे एल, अल्फाबेटिकली जो एल है वो ओ से पहले आता है, तो जो एल है वो छोटा हो गया ओ से, तो अपन क्या करेंगे, दोनों ओस को डिलीट कर देंगे, ठीक है। मतलब अपन ने दो कैरेक्टर्स को डिलीट कर दिया, तो अपन क्या करेंगे, अपने के को डिक्रीमेंट बाय टू कर देंगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रिंग क्या रह गई, एफ एल ए एन डी, और अपना के क्या हो गया, टू। मतलब अपने को दो कैरेक्टर्स और डिलीट करने हैं, तो अपन क्या करेंगे, अब ए से चेक करेंगे कि ए से छोटा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है क्या ए से पहले। तो एफ और एल जो दोनों है वही ए से छोटे थे, तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को डिलीट कर दिया, तो अपना के क्या हो गया, जीरो हो गया। मतलब अपन ने सारे चार कैरेक्टर्स डिलीट कर दिए। अब अपनी स्ट्रिंग क्या बची, ए एन डी, और वही अपनी लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी जिसका साइज है वो है थ्री, मतलब के माइनस एन के बराबर जिसका साइज है, ठीक है। तो अपन इसी को रिटर्न कर देंगे अपने आंसर में। अब अपन इस अप्रोच को सॉल्व कैसे करेंगे अपन वो देख लेते हैं। तो अपन सबसे पहले तो अपने के को कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है, वो तो सिंपल है कैलकुलेट करना।
ठीक है, तो अपना के हो गया 4। अब अपन क्या करेंगे, अपने एन साइज का एक वेक्टर बनाएंगे अपन। 2 सेकंड गाइस। और उस पूरे वेक्टर को अपन फॉल्स से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब अपने 7 कैरेक्टर्स का। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये 7, ठीक है, 7 कैरेक्टर्स का एक एरे है और उस पूरे को अपन ने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया है। ठीक है, पूरा फॉल्स है ये। अब अपन क्या करेंगे, अपन अपने जो फर्स्ट कैरेक्टर है, मतलब अपन अपनी एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है, उसके अंदर अपन अपना 0 स्टोर करवाएंगे। ठीक है, और अपन अपना जो आई है ना उसको 1 रखेंगे। अब अपन करेंगे क्या, अपन अपना फर्स्ट मतलब आईथ कैरेक्टर लेंगे, ठीक है, और उसको कंपेयर करेंगे अपन अपने स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट, मतलब स्टैक के टॉप से। ठीक है, तो अब जो अपना आईथ एलिमेंट है, मतलब अपना जो फर्स्ट एलिमेंट है, क्या वो छोटा है अपने स्टैक का टॉप, मतलब 0th एलिमेंट है, तो स्टैक का टॉप क्या एफ। एफ क्या बड़ा है अपना, मतलब स्टैक का जो टॉप है वो क्या बड़ा है अपने आईथ कैरेक्टर से, मतलब ओ से, तो एफ जो है वो छोटा होता है ओ से, अपन को सबको मालूम है। ठीक है, तो अपन नहीं, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अपन क्या करेंगे, सिंपली अपनी आई की वैल्यू को जो है, मतलब 1 को अपन अपनी स्टैक में ले लेंगे और अपन क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे 2 से। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि क्या अपना जो आईथ एलिमेंट है वो स्टैक के टॉप से वापस छोटा है क्या, तो बराबर था स्टैक के टॉप से, ओ और ओ बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, फिर से अपनी आई की वैल्यू को अपने स्टैक में ले लेंगे और फिर अपनी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे 3। ठीक है, फिर वापस अपन ने देखा कि जो अपना आईथ एलिमेंट है क्या वो छोटा है अपने स्टैक के टॉप के एलिमेंट से, तो अपना जो ओ था वो बड़ा था एल से, तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। तो अपन क्या करेंगे, अपने स्टैक के टॉप से अपन ये वाले एलिमेंट को हटा देंगे, मतलब 2 को हटा दिया, और जो सेकेंड एलिमेंट था ना, मतलब जो सेकेंड पोजिशन थी अपने वेक्टर की, अपन उसको ट्रू कर देंगे। ठीक है, कि मतलब अपना ये जो ओ है वो सक्सेसफुली हट चुका है। फिर वापस अपन चेक करेंगे कि क्या अपने स्टैक के टॉप से अपना जो आईथ है वो आईथ एलिमेंट है वो छोटा है क्या, तो अपना वापस ओ जो था वो बड़ा था एल से, तो अपना 1 भी हट गया अपने स्टैक में से, और अपना जो फर्स्ट पोजिशन थी अपने वेक्टर की अपन ने उसमें भी ट्रू कर दिया, कि अपन ने 2 वैल्यूज को हटा दिया, इन 2 वैल्यूज को हटा दिया अपनी स्ट्रिंग में से, और अपन के को भी उसी टाइम माइनस करते जाएंगे, तो के को पहले माइनस माइनस करते तो वो 3 होता, और फिर वापस माइनस माइनस करते तो वो 2 होता, तो के 2 हो गया। ठीक है, फिर अपन ने देखा कि क्या अपना एफ जो अपने अब स्टैक का टॉप है वो छोटा है क्या एल से, तो ये वाली कंडीशन फॉल्स हो गई थी, तो अपन क्या करेंगे, आप वापस आई को पुश कर देंगे अपनी स्टैक के अंदर। ठीक है, और अपने आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब अपनी आई की वैल्यू क्या हो गई, 4। अपना फोर्थ एलिमेंट क्या है, ए, तो अपन ने देखा कि अपना आईथ एलिमेंट क्या अपने स्टैक के टॉप से छोटा है, तो हाँ छोटा था, अपना जो एल है वो बड़ा है ए से, एल जो है वो बड़ा है ए से। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, 3 को हटा देंगे अपने स्टैक के टॉप से और थर्ड एलिमेंट को ट्रू कर देंगे, कि अपन ने थर्ड पोजिशन से एलिमेंट को डिलीट कर दिया अपनी स्ट्रिंग में से, और के को 1 हटा देंगे, कि अपन ने एक और एलिमेंट डिलीट कर दिया अपनी स्ट्रिंग में से। ठीक है, उसके बाद वापस अपन ने स्टैक के टॉप को कंपेयर किया, स्टैक का टॉप क्या है वो है 0, मतलब 0th एलिमेंट क्या है अपना F, क्या वो बड़ा है अपना A से, तो हाँ बिल्कुल बड़ा है अपना A से, तो अपन इसको भी डिलीट कर देंगे 0th एलिमेंट को। ठीक है, अपने K को अपन डिक्रीमेंट कर देंगे, अपना K हो गया 0। ठीक है, और अपना इधर अपन ट्रू कर देंगे, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि अपनी स्ट्रिंग से, मतलब अपनी स्ट्रिंग से सारे K एलिमेंट्स डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, और अपने को अब तो अपनी लेक्सोग्राफिकली स्मॉल स्ट्रिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन इस पूरे वेक्टर में इटरेट करेंगे और जहां जहां पे भी टू है ना, मतलब ट्रू है ना, वो वाले एलिमेंट्स नहीं लेंगे, जैसे इस वाली पोजीशन पे ट्रू था। ठीक है, तो अपन एफ नहीं लेंगे, अपन ओ नहीं लेंगे, एल नहीं लेंगे, फिर इधर इस वाली पोजीशन पे फॉल्स था, इस पे भी फॉल्स था और इस पे भी फॉल्स था, अपन ने इनिशियली सबको फॉल्स किया था। ठीक है, तो अपन ए एन और डी ले लेंगे और उसी को आंसर में रिटर्न कर देंगे। ठीक है, यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन होगा। अब अपन एक और एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, सीओडी वाले एग्जाम्पल के लिए। एस जो है अपना वो हो जाएगा सी ओ
डी ई, ठीक है, और के था अपना 4, ठीक है। तो अब सी ओ डी इसकी लेंथ 4 है, मतलब 2 की पावर में है, तो अपन क्या करेंगे, के को डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब के को डिवाइड करेंगे 2 से। अपने को करना क्या, के एलिमेंट्स मतलब 2 एलिमेंट्स अपने को डिलीट करने अपनी स्ट्रिंग में से। अपन वही अपना वेक्टर बनाएंगे 4 साइज का, उसके पूरे को फॉल्स कर देंगे, और वो अपन किस लिए बना रहे हैं, ताकि अपन लास्ट में चेक कर पाए कि अपने को अपने आंसर में कौन सा कैरेक्टर इंक्लूड करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। इसको पूरे को फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया अपन ने, ठीक है, और अपन अपनी एक स्टैक बनाएंगे, ठीक है। स्टैक में वही 0 डाल देंगे अपन, और अपन अपने फर्स्ट कैरेक्टर से देखना चालू करेंगे। तो अपन ने अपना फर्स्ट कैरेक्टर देखा, ओ था वो, ठीक है, आई की वैल्यू 1 थी, जब वो ओ था तो अपना जो ओ है वो बड़ा नहीं है सी से, मतलब जो सी है, मतलब ओ जो है वो बड़ा है सी से, तो अपन सी को डिलीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अपन 1 को अपनी वेक्टर में पुश कर देंगे कि इस वाले एलिमेंट को अपन ने डिलीट नहीं किया, अब अपन देखेंगे इस वाले के लिए, ठीक है। तो अब आई हो गया 2, ठीक है, आई 2 हो गया अपना। तो अपन क्या करेंगे कि अपन स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या अपना स्टैक का टॉप बड़ा है अपने आईथ एलिमेंट से। तो जो ओ है वो डेफिनेटली बड़ा है डी से, तो अपन ओ को डिलीट कर देंगे। तो स्टैक के टॉप को हटा दिया, के की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दिया, के की वैल्यू को कर दिया 1, और इधर स्टैक के टॉप वाले को अपन ने कर दिया 2, ठीक है। और अब अपन अपने वापस स्टैक के टॉप को चेक करेंगे, 0th एलिमेंट को चेक करेंगे कि क्या वो अपने ith एलिमेंट से बड़ा है क्या। तो क्या सी अपना बड़ा है डी से, सी अपना डेफिनेटली बड़ा नहीं है डी से, तो अपन क्या करेंगे, अपन इस कंडीशन को फॉल्स कर देंगे, ठीक है, और फिर अपन अपनी आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे। तो अपनी आई की वैल्यू क्या हो गई, 3, जो ई पे पॉइंट कर रही है, ठीक है। अब अपन देखेंगे कि क्या डी बड़ा है, मतलब अपना स्टैक का टॉप, सॉरी पहले अपने अपने स्टैक के टॉप को स्टैक में डालेंगे, आईथ वैल्यू को स्टैक में डालते हैं। तो अपन देखेंगे कि क्या अपना जो डी है, मतलब अपना जो स्टैक का टॉप है वो बड़ा है क्या ई से, तो नहीं है। और सी भी जो अपना स्टैक में था, ओ तो अपना हट गया था अपनी स्ट्रिंग में से। फिर अपन ने देखा कि अपनी जो नीचे वाली वैल्यू है वो भी बड़ी है क्या, तो वो भी नहीं थी, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन आई को भी डाल देंगे अपनी स्ट्रिंग में से, ठीक है। अब अपन ने अपनी पूरी स्ट्रिंग को इटरेट कर लिया, और अपने को अभी एक और एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी सिंपली स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को डिलीट करते जाएंगे, मतलब ई को डिलीट कर देंगे अपन, ठीक है, अपनी स्ट्रिंग में से, ठीक है। और अपने आई को माइनस माइनस कर देंगे, और अपना आई 0 हो गया, और अपनी इस वाली पोजिशन पे अपन ट्रू कर देंगे कि अपन इस वाले एलिमेंट को डिलीट किया है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एलिमेंट होगा अपना, ठीक है। बाकी के 2 तो अपन ने देख लिए, वो इस एलिमेंट से छोटे ही थे, ठीक है, नहीं तो अपन उनको डिलीट ही कर देते हैं। तो फिर अपन देखेंगे कि अपनी कहाँ कहाँ पे ट्रू नहीं है, फॉल्स है, तो अपना सी और डी पे नहीं था, तो अपन सी और डी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि अपन इस अप्रोच को कोड कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन ने एन में क्या ले लिया, अपनी स्ट्रिंग की लेंथ ले ली, ठीक है। अपन ने अपना एक वो वेक्टर बना लिया जिसको अपन ने फॉल्स से इनिशियलाइज कर दिया एन साइज का, ठीक है। एक स्टैक बनाई अपन ने, और अपन ने अपनी आंसर स्ट्रिंग बनाई, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, के को कैलकुलेट किया, ठीक है। इस फंक्शन में अपन ने क्या किया, पहले लॉग बेस 2 ले लिया, ठीक है, एन का, ठीक है। अगर अपन ने लॉग बेस 2 लिया एन का, तो अगर वो इंटीजर आया अपना, ठीक है, तब तो वो क्या कहते हैं अपना 2 की पावर में है, और अगर वो इंटीजर नहीं आया तो वो 2 की पावर में नहीं है। तो अपन ने लॉग बेस 2 लिया, ठीक है, फिर उसको चेक किया कि अगर अपन 2 की पावर लॉग बेस 3 करेंगे तो क्या वो एन के बराबर आएगी। एन के बराबर आएगी मतलब वो पावर ऑफ 2 में है, तो अपन क्या करेंगे, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, नहीं तो अपन मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ऐसे अपना के कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अपन ने देखा कि क्या के की वैल्यू एन से बड़ी है, के की वैल्यू एन से बड़ी है, और अपनी स्ट्रिंग की साइज एन है, तो अपन एन से ज्यादा एलिमेंट कैसे डिलीट कर पाएंगे अपनी स्ट्रिंग में से। तो अपन क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे, के वैल्यूज अपन डिलीट नहीं कर सकते अपन अपनी स्ट्रिंग में से, और अपन आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर अपना के 0 है, मतलब अपने को 0 एलिमेंट्स डिलीट करने अपनी स्ट्रिंग में से, तो अपन क्या करेंगे कि अपन अपनी वही स्ट्रिंग को वापस रिटर्न कर देंगे, ओरिजिनल स्ट्रिंग को, नहीं तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी स्टैक में 0 को पुश करेंगे, जैसे अपन हमेशा करते थे, 0 एलिमेंट को पुश किया, जो आई है उसको 1 से इटरेट करना चालू किया,
फिर आई को एन तक अपन इटरेट करेंगे, अपन देखेंगे कि अपना जो स्टैक का टॉप है क्या वो बड़ा है अपने आईएथ एलिमेंट से। अगर वो बड़ा होगा तो अपन क्या करेंगे, विजिटेड जो अपना था उसको ट्रू कर देंगे, के को माइनस माइनस कर देंगे कि अपन ने एक वैल्यू को डिलीट कर दिया स्टैक में से, उस चीज को पॉप कर देंगे। और फिर अपन देखेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी हो गई या फिर के की वैल्यू जीरो हो गई तो ब्रेक कर दो, ठीक है। फिर अपन देखेंगे कि क्या के की वैल्यू जीरो हो गई मतलब अपने सारे के एलिमेंट्स डिलीट कर दिए, तो अपन इस कंडीशन को भी ब्रेक कर देंगे। ये तो अपन क्या करेंगे, अपन अपनी आईएथ एलिमेंट को पुश कर देंगे अपनी स्टैक के अंदर, जैसे अपन एल में कर रहे थे कि एल के टाइम पे क्या हो रहा था कि के की वैल्यू वापस टू हो गई थी, तो अपन को टू एलिमेंट्स और डिलीट करने थे, तो अपन ने क्या किया था के की एल की पोजीशन मतलब जो थ्री थी अपन ने उसको पुश कर दिया था अपने स्टैक के अंदर, ठीक है। और फिर आई को प्लस प्लस कर देंगे कि अपने नेक्स्ट एलिमेंट के लिए चेक करो, ठीक है। फिर वो वापस चेक करेगा नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, और जब तक वो हो जाएगा तब तक ठीक है। फिर अपन वापस देखेंगे जैसे अपनी इस वाली कोड वाली कंडीशन में था कि अपने के एलिमेंट्स डिलीट ही नहीं हुए थे लास्ट तक, तो अपन क्या करेंगे, अगर के एलिमेंट्स डिलीट नहीं हुए, अगर के अपना बड़ा है जीरो से, और अगर अपनी स्टैक भी एम्प्टी नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन अपने टॉप को डिलीट कर देंगे के टाइम्स, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, जहां जहां पे ट्रू है उस वाले एलिमेंट को अपने आंसर स्ट्रिंग में नहीं लेंगे, जहां जहां पे फॉल्स है वो वाली सारे कैरेक्टर्स को अपन अपनी आंसर स्ट्रिंग में ले लेंगे, और अपन अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे। यही अपना सिंपल सा सोल्यूशन हो जाएगा। अब अपन देख लेते हैं कि क्या ये कोड चल रहा है। तो हाँ बिल्कुल, ये कोड सबमिट हो रहा है, मतलब ये कोड एकदम एक्यूरेट है। होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ आई और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट हैं। थैंक यू सो मच।